इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है। पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली होने जा रही है, 30 तारीख को रैली है। देश भर के सभी प्रदेशों से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचने वाले हैं। 1 लाख संख्या का वो प्रदर्शन रैली ममता सरकार के विरोध में व केंद्र सरकार NRC को जल्द से जल्द वहाँ लागू करें, इस विषय में रैली रखी गई है। इसका आह्वान हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान जी ने किया है। तकरीबन कितने लोग यहाँ से जाने वाले हैं? यहाँ से 250 लोग जाने वाले हैं। रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या विरोध दर्ज कराना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं, जो ममता सरकार वहाँ निरंतर बांग्लादेशी घुसपैठ का समर्थन कर रही है और NRC को लागू नहीं कर रही है, और विभिन्न जो पद हैं, जो सरकार के पद हैं, उनमें घुसपैठियों को जगह मिल रही है। जैसे कि पिछले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ जो स्थानीय भाषा है या उर्दू भाषा जो वहाँ मैक्सिमम चलती है, उसके लिए जो पद हैं वो रिक्त थे, उन पे वहाँ पे शिक्षक आए उसकी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो ममता सरकार की तरफ से निर्ममतापूर्ण वहाँ पे फायरिंग कराई गई पुलिस की तरफ से, और उस हमले में हमारे 2 कार्यकर्ता तपन व राजेश ऑन द स्पॉट डेथ हो गई गोली लगने की वजह से। तो ये तो हम चाहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता की वहाँ हत्या हुई है उसके लिए एक तो CBI जांच बैठे, और दूसरा NRC जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ रुक सके। ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो रैली आपकी किस तरीके से होगी? मार्च होगा, सभा होगी, किस तरीके से? वहाँ पे हम सभा रखने वाले हैं, मार्च के माध्यम से पहले सभा स्थल तक पहुँचेंगे, और सभा स्थल पर जो हमारे वहाँ पे दायित्वान प्रदेश के और राष्ट्र के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे संबोधन करेंगे। सरकार के विरोध में हम रैली करने जा रहे हैं। हमारी मांग है, एज अ छात्र संगठन हम छात्र हितों में भी निरंतर कार्य करते हैं, लेकिन हम एक सामाजिक पृष्ठभूमि भी देखते हैं। देश में जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं उनमें भी अपनी सहभागिता निरंतर रखते हैं। तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हो रही है। उसका कारण है कि ममता सरकार उनको शह दे रही है, किसी प्रकार की घुसपैठ को रोकने से समर्थन करती है वो, और NRC लागू करने के लिए उन्होंने अभी मना किया है, केंद्र सरकार का समर्थन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी निरंतर उनसे इसको मांग को कर रहा है कि NRC आप लागू कीजिए। NRC लागू होने से जो भी बांग्लादेशी हैं या अन्य सीमावर्ती इलाकों से जो लोग आते हैं देश के अंदर, उनकी घुसपैठ रुकेगी। अगर वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं कर पाएंगे तो आग्रह होगा उनसे कि देश को जल्द से जल्द छोड़ें। केंद्र सरकार से क्या आश्वासन मिला आपको? केंद्र सरकार से पूर्ण आश्वासन मिला है, लेकिन जब तक प्रदेश सरकार उसमें सहमति नहीं दर्ज कराएगी तब तक NRC लागू नहीं हो सकता है। एबीवीपी इसलिए का हम कोई चाहते हैं कि डेलीगेशन? प्रदेश सरकार समर्थन करे इस चीज का, ये देश की सुरक्षा का मामला है। एबीवीपी का कोई डेलीगेशन भी मिला है मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से किसी से? ABVP का डेलीगेशन प्रदेश लेवल पर मिला है। ममता सरकार से निरंतर 2 भेंट हो चुकी हैं, एक तो अपना मुद्दा जिसमें अपने छात्र जो संगठन थे, विभिन्न छात्र संगठन, वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर फायरिंग की गई, उस मुद्दे पे मिले कि उस मामले में आप CBI जांच बिठाइए या प्रदेश सरकार उसके एकदम निष्पक्ष जांच करे, और दूसरा मुद्दा ये था कि NRC जल्द से जल्द लागू की जाए। क्या आश्वासन दिया गया उनकी तरफ से कोई, जो 2 बैठकें हुई हैं आप लोगों की? उसमें पूर्ण आश्वासन कुछ नहीं मिला, उनसे स्पष्ट कोई भी वार्ता नहीं हो पाई।